सीबीएसई ने साल 2024 में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए आगामी बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो अगले साल की शुरुआत में लागू हो जाएंगी। 1 जनवरी 2024 को शुरू होने वाली इस योजना में दोनों कक्षाओं यानी क्लास 10th और 12th के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स थ्योरी एग्जाम्स से पहले होंगे, जो 15 फरवरी 2024 को शुरू हो रहे हैं। सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाओं के लिए थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट को शामिल करते हुए मार्क्स पॉलिसी तैयार की है। पर सब्जेक्ट मैक्सिमम 100 मार्क्स तय किए गए हैं। बोर्ड ने क्लास 10th में 83 सब्जेक्ट्स और क्लास 12th के 121 सब्जेक्ट्स के लिए मार्किंग स्कीम तैयार की है। क्लास 10th के सब्जेक्ट्स जैसे म्यूजिक, पेंटिंग, कंप्यूटर, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अन्य सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स में 50 मार्क्स होंगे, जबकि अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरनल असेसमेंट के लिए 20 मार्क्स शामिल होंगे। इसी तरह 12th में ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल मार्क्स 30 होंगे। इसके अलावा पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, डांस और होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में 50 मार्क्स तक होंगे। सीबीएसई ने छात्रों को डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं देने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाओं के लिए किसी भी मेरिट सूची को जारी करना बंद कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स के मार्क्स की गिनती के लिए टॉप 5 सब्जेक्ट्स के चयन की जिम्मेदारी अब प्रवेश देने वाले कॉलेज की होगी। बोर्ड ने सालाना 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का कॉन्सेप्ट सामने लाया है, जिससे छात्रों को अपने स्कोर में सुधार करने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। सीबीएसई ने ओलंपियाड और खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल छात्रों के लिए विशेष प्रावधान लागू किया है। इन आयोजनों में उनकी भागीदारी को समायोजित करने के लिए बोर्ड के ओलंपियाड और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम के अनुरूप विशेष परीक्षाएं आयोजित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट न्यूज़, जम्मू।